गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत अब भी जारी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर हमला बोला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद डिंपल यादव ने भी गाजीपुर प्रशासन पर निशाना साधा। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, जहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है, जहर देकर के मारने की साजिश का जो आरोप था इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं तो जो भी उनके आरोप है सरकार को, और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए। जो लोग संचिता की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, तो यह भी जान लें कि जहां एक तरफ दृश्यत कर्मफल है वहीं अदृश्यत कर्मफल भी है। वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और सच्चाई वो लोग जानते हैं, चाहे जितना भी छुपा ले सच्चाई से वो पूरी तरह वाकिफ है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार से चली आंधी और बारिश ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में काफी तबाही मचा दी है। जिले के अलग अलग हिस्सों में आंधी के चलते बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। तूफान की चपेट में आने से जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के हालात का जायजा लेने और प्रभावितों से मिलने पहुंची। उन्होंने इस दौरान उन इलाकों का भी दौरा किया जहां तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। तो जलपाईगुड़ी में तेज आंधी और तूफान की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। एक डिजास्टर हुआ, एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया, बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है, दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। MCC कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरा पूरी उसका पास है। जलपाईगुड़ी के तूफान प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने आगे लिखा, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने के लिए मैंने कहा है। मैं सभी भाजपा के बंगाल कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने का आग्रह करूंगा। दिल्ली में बैठ के हमारे जो सांसद बनेंगे वे हमारी आवाज उठाएंगे, ये इसीलिए गठबंधन बना, इसीलिए जो है बड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की चौपाल, ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ बातें और भी ज्यादा पता चलती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों की हो रही है। बीजेपी जानती है कि जाटों का वोट कितना अहम है और अब तो RLD भी साथ है। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंह की भी बात की। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हमने हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यही तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ।
एक राष्ट्र का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। मेरठ डिवीजन में ही 14 लोकसभा सीट आती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस डिवीजन की 14 की 14 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी 14 में से 7 ही सीट जीत पाई थी। कैसे ये रास्ता मेरठ की ओर जा रहा है और आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह बात सर्वमान्य है कि जिसने मेरठ जीत लिया उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर लिया, और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उस राजनीतिक पार्टी की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और अपने विरोधियों को वो चारों खाने चित कर देगी। 2024 में बीजेपी इसी नुकसान की भरपाई करना चाहती है और जाटों का वोट इसमें सबसे अहम रहने वाला है। यही वजह है बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। मेरठ में प्रधानमंत्री का आना इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि मेरठ यूपी में उन 20 क्लस्टरों में से एक है जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली का प्लान तैयार किया है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया की 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी केंद्रित रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इंडिया के 28 दलों की रैली है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजेंसी की तरफ से हमले और विपक्ष की नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज समेत तमाम दूसरे मसले रहे। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाला है। ये रैली इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम की पहली रैली है। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ी रैली आज होने जा रही है और खास